हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्वागत है इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, यानी बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी से आई वैकेंसी के बारे में। तो आपको मैं बता दूँ, इसमें जो लास्ट मतलब क्वालिफिकेशन मांगी गई मिनिमम, वो हाई स्कूल है। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल पढ़े हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी जॉब की सभी नोटिफिकेशन बताई जाती है, पूरा डिटेल इसको दिया जाता है। तो ये चैनल आपके किसी काम आएगा, ठीक है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग इस समय ऑफिशियल नोटिस पे हैं, ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिस पे हैं, जहाँ से आपको पूरा डिटेल आपको दिख सकता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं कि आपको दिखे। ठीक है, तो ये जूम मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, ठीक है, कि आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़। 06-18-19 है, नॉन टीचिंग, ठीक है, एंड स्कूल टीचिंग पोस्ट के लिए है। और ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट नंबर। और चलिए अब इधर आ जाते हैं, और आप किस वेबसाइट पर जाके इसको पता कर सकते हैं। तो वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, www.bhu.ac.in/rac, यानी यहाँ पर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म अभी भरना शुरू हो गया है, तो आप इसको भरना, और टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, फैक्स नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो ये आप इन दोनों नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि नंबर मिल जाता है, अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट वहाँ से पूछ ले सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी डिटेल यहाँ से लोग मिल जाती है। और इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो देखिए, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए, 16 फरवरी, 16 फरवरी को शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई 5 बजे के पहले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए पहले कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पेमेंट की बात की जाए तो वो 18 फरवरी तक कर सकते हैं, यानी 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF डाउनलोड आप लोग करते हैं तो वो 20 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट डेट सबमिशन फॉर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अलॉन्ग विद, ठीक है, इंश्योर्स के, तो 23 फरवरी 19 को 5 बजे तक आप ये कर सकते हैं। और देखिए, फीस की अगर हम लोग बात करते हैं, फीस क्या लगने वाला है, ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो 1000 रुपये आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म द कैंडिडेट्स फॉर UR एंड OBC कैटेगरीज अंडर ए, अगर अंडर ए में है तो आपका 1000 फीस लगने वाला है। ठीक है, और 500 रुपीज़ की अगर बात की जाए, ठीक है, 500 रुपीज़ की तो किसकी लगने वाले हैं, फ्रॉम द कैंडिडेट UR एंड OBC कैटेगरी अंडर BSc। देखिए, नॉन टीचिंग एंड स्कूल के टीचिंग के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 500 रुपये फीस लगने वाला है, और पोस्ट ए के लिए अगर करना चाहते हैं तो 1000 रुपये आपका फीस लगने वाला है। और SC ST कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, SC ST, ठीक है, PWD कैटेगरीज, द एप्लीकेशन फीस इज टू बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे बाय ऑनलाइन इंटरेस्ट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, यानी आप जो फीस इसको जमा करेंगे वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो एप्लीकेशन फीस सेल बी, किसके कैटेगरी के लिए, ठीक है, सेल बी चार्ज, SC ST के लिए कोई फीस नहीं चार्ज की जा रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसकी डिटेल लेने के लिए। और दोस्तों, एक बार मैं लिंक फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ ये लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं जो ABC बताया है। दोस्तों, पोस्ट ए के लिए इतनी सारी ये सब पोस्ट कोड है, ठीक है, बी के लिए ये सारे पोस्ट कोड हैं, और सी के लिए ये पोस्ट कोड है। तो चलिए
यहाँ पे आते हैं हम लोग। चलिए चलिए सीधे आते हैं हम लोग पे इन पे मैट्रिक्स की बात की जाए। तो देखिए जब एक ग्रुप के लोग हैं 21,700 से 69,100 रुपये तक इसका पे मिल सकता है, यानी सैलरी बन सकती है। और ग्रुप बी की बात की जाए 19,900 से 63,200 तक बनने की संभावना है। संभावना क्या मतलब ये मिलना है, ठीक है। और ग्रुप सी की बात की जाए तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको यहाँ सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैं तो ये आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। अब एज की बात की जाए कि इसमें एज क्या मांगा गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 200 पोस्ट बहुत सारे हैं, तो आप मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक पोस्ट का मैं बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप हाई स्कूल से लेकर के ठीक है MBBS तक हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, अलग अलग तरीके की वैकेंसी हो सकता है आपका भी काम का हो, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए मेडिकल और ठीक है ऑफिसर के लिए मांगा गया है, ठीक है, असिस्टेंट टीचर के लिए मांगा गया है, तो आप समझ सकते हैं। जूनियर मेडिकल, ठीक है, सोशल वर्कर के लिए मांगा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि डिग्री क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन मिनिमम एज जो है कम से कम जो है हाई स्कूल से लेकर के स्टार्ट है। तो आप अगर हाई स्कूल पास है तो इस फॉर्म को जरूर देखिएगा, ठीक है। और उससे बड़ी डिग्री है तो आपके लायक है ही, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि जब लोग देख लेते हैं किसी बड़े कॉलेज की वैकेंसी, बड़े जगह की वैकेंसी, तो पहले ही दिमाग में रख लेते हैं कि यहाँ क्वालिफिकेशन बहुत लंबी मांगी गई होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, वरना इस बताने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए पोस्ट फॉर 4490, ठीक है, वर्कशॉप अटेंडेंट की हाई स्कूल फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ठीक है, एग्जामिनेशन मांगा गया है। और एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर दें, एज लिमिट की देखिए, एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आप 18 से लेकर 30 साल 40 साल तक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 35 साल 35 साल यहाँ देख सकते हैं, 30 साल 35 साल सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। यानी आप 18 से लेकर 40 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट ठीक है 16 फरवरी है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए किसी जॉब के साथ, और थैंक यू वेरी मच। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जस्ट बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी बनाई हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ओके बाय।